अस्सलामु अलैकुम, कैसे हैं आप सब? आई होप सब बहुत अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, सलामत रखे, खैर व आफ़ियत वाली ज़िंदगी दे। आप सब जहाँ भी हैं, कहीं भी हैं, अल्लाह ताला आप सबकी, हम सबकी तमाम मुश्किलें, बीमारियाँ, परेशानियाँ सब दूर कर दे, और अल्लाह ताला आप सबको, हम सबको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे। आज मैं आप सबके साथ बहुत ही सिंपल और बहुत ही कम टाइम में बनने वाले आलू मटर पुलाव की रेसिपी लेकर आई हूँ। सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट लगेंगे इस रेसिपी को बनाने। तो मैं यहाँ पर प्रेशर कुकर में आलू मटर के पुलाव बना रही हूँ। बहुत झटपट है और बहुत ही मज़ेदार है। सारे इंग्रेडिएंट्स मैंने आप लोगों को दिखा दिए हैं, क्वांटिटी साथ साथ ही बताऊँगी। तो चलें रेसिपी को फुल वॉच कीजिएगा, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। कुकर में मैंने यहाँ पर 1/4 कप ऑयल डाल लिया है, 1 किलो चावल है, यहाँ पर थोड़े से मैंने खड़े मसाले लिए हैं, साबित ज़ीरा है आधा खाने के चम्मच, आधा चाय का चम्मच साबित काली मिर्च है, 2 से 3 दालचीनी के टुकड़े, 1 बड़ी इलायची है, 3 से 4 लौंग है और 3 से 4 ही बादियान के फूल हैं। ऑयल को अच्छे से गर्म कर लेना है, उसके बाद ये खड़े मसाले डाल लेंगे। और यहाँ पर प्याज मैंने लिया है, 1 बड़े साइज़ का प्याज लिया है, इस तरह से स्लाइस में कटिंग कर ली है। प्याज़ों को हमने यहाँ पर बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, बस हल्का सा लाइट सा ब्राउन करना है। प्याज में यहाँ पर गोल्डन सा कलर आ गया है, अब इससे ज़्यादा हमने प्याज को ब्राउन नहीं करना है। यहाँ पर मेरे पास मटर है, 1 प्याला मैंने मटर लिया है, फ्रीज हुए हुए मेरे पास मटर थे, आप लोग फ्रेश मटर भी ले सकते हैं। और यहाँ पर मैंने 1.5 खाने के चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है। अदरक लहसुन के साथ ही हमने यहाँ पर आलू और मटर को सिर्फ और सिर्फ 3 मिनट के लिए भून लेना है हाई फ्लेम पर। फ्लेम आप लोगों ने यहाँ पर लो या हाई नहीं करना है। बहुत जल्दी रेसिपी बनेगी, बहुत कमाल की रेसिपी है, वीडियो अच्छी लगे तो ट्राई ज़रूर कीजिएगा। और यहाँ पर मैं 3 दरमियाने साइज़ के टमाटर लिए थे, थोड़े से टमाटर मैं यहाँ पर बचा लूँगी, बाद में डालूँगी, आधे टमाटर मैंने यहाँ पर डाल दिए हैं। तो यहाँ पर बस 3 मिनट के लिए हमने थोड़ी सी यहाँ पर सब्ज़ियों की भुनाई करनी है आलू और मटर की। साथ ही डाल दूँगी मैं यहाँ पर नमक, 2 खाने के चम्मच मैंने नमक लिए हैं 1 किलो चावल के हिसाब से, आप लोग अपने टेस्ट के हिसाब से ही लीजिएगा। और 1 खाने के चम्मच मैंने यहाँ पर पीसी मिर्चें ली हैं, ये भी डाल दूँगी। मिर्चें नमक आप लोग अपने टेस्ट के हिसाब से, जैसे आप लोग खाना पसंद करते हैं डाल लीजिएगा। 3 मिनट हो गए हैं, सब्जियों को मैंने यहाँ पर भून लिया है, अच्छे से ऑयल सेपरेट हो गया है। अब मैंने यहाँ पर 1 गिलास भर कर पानी लिया है, सेम इसी गिलास से मैंने यहाँ पर चावल को नापा था, तो यहाँ पर 2 गिलास मेरे पास चावल हैं। अब चावल को मैंने आधा से पौने घंटे के लिए यहाँ पर भिगो कर रखा है, तो चावल को भी डाल दूँगी। फ्लेम को आप लोगों ने लो बिल्कुल नहीं करना, फ्लेम यहाँ पर हाई है। अच्छी तरह से चावलों को साफ़ करके आप लोग डाल लें, लेकिन चावल का पानी अच्छी तरह से निकाल लीजिएगा। उसके बाद बाकी के मसाले भी मैं यहाँ पर डाल दूँगी। ये देखिए इमली के पल्प है मेरे पास, तो ये इसकी जगह आप लोग लीमू भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप बीज के साथ ही इमली को डाल दें। ये 2 खाने के चम्मच मैंने इमली का पल्प लिया है। और यहाँ देखें 1 खाने के चम्मच होममेड गरम मसाला लिया है, जो मेरा होममेड गरम मसाला होता है वो डाला है मैंने यहाँ पर। और यहाँ पर जो हमने टमाटर बचा के रखे थे ये भी डाल दूँगी। थोड़े से मैंने यहाँ पर पुदीने के पत्ते लिए हैं और 3 से 4 हरी मिर्चें ली हैं। मिर्चें आप लोग अपने टेस्ट के हिसाब से डालिएगा। अब एक दफ़ा चावलों को अच्छी तरह से मिक्स कर लें यहाँ पर। नमक आप लोग प्रेशर लगाने से पहले ही टेस्ट कर लीजिएगा, क्योंकि चावल पकने के बाद तो नमक नहीं डाला जा सकता, इसलिए नमक आप लोग पहले ही चेक कर लीजिएगा। नमक यहाँ पर मैंने थोड़ा सा और डाल दिया है, मुझे कम लग रहा था। अब यहाँ पर देखें पानी मैं 1/2 गिलास और डाल रही हूँ, तो 1.5 गिलास पानी का मैंने यहाँ पर यूज़ किया है। अब दोबारा से इसको मिक्स कर लें और यहाँ पर प्रेशर लगाऊंगी सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट के लिए। तो 5 मिनट में यहाँ पर चावल जो है अच्छी तरह से गल जाएंगे। तो मैंने आज घर वाले ही चावल में यहाँ पर पुलाव बनाया है, आप लोग चाहें तो बासमती चावल में भी बना सकते हैं। तो कम बजट के साथ ये मज़ेदार सा पुलाव बनकर तैयार हो जाएगा। फ्लेम को हाई रखना है, 5 मिनट बाद मिलती हूँ। 5 मिनट हो गए हैं, फ्लेम को मैंने यहाँ पर बंद कर दिया है, स्टीम अच्छे से निकल जाए उसके बाद ही आप लोगों ने प्रेशर को खोलना है। देखें बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही झटपट तरीके से यहाँ पर हमारा मटर पुलाव बनकर तैयार हो गया है। कोई भी नहीं कहेगा कि इसे आप लोगों ने प्रेशर में पकाया है। चावल बिल्कुल खिले खिले हैं और अच्छी तरह से गल चुके हैं। तो यहाँ पर एक दफ़ा आप लोग चावलों को अच्छी तरह से मिक्स कर लें, उसके बाद मैं आप लोगों को सर्व करके दिखाती हूँ। ये देखें घर के चावलों से ही बहुत ही मज़ेदार से यहाँ पर पुलाव बना है। बहुत ही झटपट, बहुत ही मज़ेदार, खुशबूदार से मटर पुलाव यहाँ पर बनकर तैयार हो चुके हैं। बहुत ही ज़्यादा खिले खिले मज़ेदार से चावल बने हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। बहुत जल्द आऊँगी एक और बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।